हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अवनींद गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो अगेन मैं आपके ऊपर आपके पास बहुत एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, पहले से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, वो यूज़ करते ही हैं। और आजकल क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने स्किन और हेयर के केयर करने लगे हैं, तो अगर आप अपने स्किन और हेयर का केयर करते होंगे तो आप ज़रूर इस टाइप के कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे। तो वो और कैसे अच्छे से आप कर सकते हो, उनमें और क्या क्या एडवांस प्रोडक्ट आए हैं, मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एक बेल आइकन है वो क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आया तो आपको फट से पता नोटिफिकेशन पहुँच जाए, पता चल जाए। और ये वाला जो प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये प्रोडक्ट के बारे में पता चले, बिकॉज सारी नॉलेज अपने पास मत रखो आप लोग। ओके, तो मैं अब आपको बताता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आप लोग अगर कॉस्मेटिक के बारे में जानते हैं, ट्रीटमेंट कराते होंगे पहले से, तो आपको ज़रूर पता होगा कि हेलुरोनिक एसिड क्या होता है। और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ हेलुरोनिक एसिड क्या होता है। इट्स अ जो ये होता कहाँ पे है, तो हमारी स्किन के अंदर होता है, जहाँ पे इलास्टिन और कोलेजन होता है, उसके में जो खाली स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, वहाँ पे फिल होता है, वहाँ पे डिपॉजिट रहता है। और ये करता क्या है, ये इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग होती है, ये अपने साइज के 1000% मोर ज़्यादा उस पर्सन को वाटर को एडजॉर्ब करके रखता है, मतलब एडजॉर्ब मतलब अपने चारों तरफ बाइंड करके रखने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो ये कैसे वर्क करता है हमारी स्किन में, हमारे स्किन को कुशनिंग इफेक्ट देता है। जब आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के स्किन क्या होती है, उनको रिंकल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, बिकॉज उनकी स्किन में ये हाइलुरोनिक एसिड का लेवल अच्छा हाई होता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे प्लम्पिंग इफेक्ट देता है और वहाँ पे कुशनिंग इफेक्ट देता है, वो दो जो सेल्स हैं उसके बीच में कुशनिंग इफेक्ट करेगा और उसको फिल कर देगा। तो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है या यूवी रेज़ के डैमेज होता है, पॉल्यूशन में जाते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये डिप्लीट होने लगता है। जब ये हटने लगेगा या इसमें आपकी इस बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड की कमी हो जाएगी, तो करेगा क्या, ये आपका मॉइस्चर लेवल को कम कर देगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और रिंकल्स दिखने लगेंगे आपको बहुत सारे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा एज के साथ लोगों के चीक्स ढल जाते, नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे इसको जो हाइलुरोनिक एसिड का, मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो यूज़ होता है जनरली कॉस्मेटिक सर्जरीज या कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लाइक मैं हूँ, कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी तक हम लोग इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करते थे, जैसे कि चिन है तो चिन को बड़ा करने के लिए हम लोग हाइलुरोनिक एसिड की इंजेक्शन लगा देते हैं, चिक्स को बड़ा करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड, या नोज को, लिप को शेप देने के लिए हाइलुरोनिक एसिड हम इंजेक्ट कर देते थे। मार्केट में इस टाइप के सप्लीमेंट आते हैं, सीरम्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड क्रीम लगाओ और डेली नाइट में और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, इसकी ड्रिंक्स आते हैं, बहुत कुछ आता है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए इसकी टैबलेट। नाउ ये टैबलेट फॉर्म में है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये आप इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट बताते हैं। यस, मैं महंगा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, बट ये अगर आप लोग उसको नहीं लेना तो आप नेचुरल डाइट भी बताऊंगा कि अगर आप नेचुरल डाइट से भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक चिकन हैम आप लेते हैं, चिकन कार्टिलेज लेते हैं, या चाइनीज़ हैम लेते हैं, या आप सैलमन फिश लेते हैं, उसके अंदर खूब सारा हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो वो डेली खाया करो। तो जो लोग नहीं खा सकते हैं वो ये हाइलुरोन खाओ, ओके। और ये वेज है, अगर आप नॉन वेज नहीं है, अगर आपको चिकन कार्टिलेज पसंद है, अगर आपको चाइनीज़ हैम पसंद है, अगर आपको सैलमन फिश पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। मगर ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे, मेरे सब्सक्राइबर होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको नॉनवेज नहीं खाते हैं, मेरी तरह वेज हैं, तो उनके लिए मैं लाई हूँ हाइलुरोन। ये टैबलेट फॉर्म में है, सबसे अच्छी बात आपको लगाना नहीं है, फुल बॉडी के अंदर वर्क करेगा यार, जब आप खाओगे ना तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर आपकी पूरी स्किन में वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहाँ पर आपका हाइलुरोनिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा। ये जो टैबलेट फॉर्म है 200 mg की टैबलेट है, 200 mg की टैबलेट है, मैंने आपको बताया 1000% ये वाटर को होल्ड करके रखता है, तो 200 mg का है तो 1000 × कर दो है, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, मेरी गणित तो अच्छी नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेटर लेके कर लेना, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो ये इस टाइप की टैबलेट है, ये आपको डेली खाना है, डेली आपको एक या दो खाना है उसको, आपको अगर 6 महीने तक रेगुलर खाते हैं आपको इसका इफेक्ट 3 to 6 weeks में दिख जाएगा, मगर अगर आप अराउंड 6 months तक रेगुलर लेते हैं तो इसके बाद आप बंद कर सकते हैं और उसके बाद ये अगले 6 महीने तक आपकी बॉडी में इफेक्ट देगा। तो आपको, आप चाहो तो 6-6 महीने के गैप में खा सकते हो, या तो कंटिन्यूशन भी खा सकते हो यार, ये 450 रुपये की 10 टैबलेट है,
मैं एक टेस्ट करूंगा इसमें कि कंपनी बोल तो रही है कि हाइलुरोनिक एसिड है कि नहीं है, तो अपन इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि अपने बहुत सारे टेस्ट लगाते रहते हैं, आप लोगों को मज़ा भी आता होगा, पता भी चलेगा प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं ये टैबलेट निकालता हूँ, और एक मेरे पास छोटू सा ये टैबलेट किसने का है, एक मिनट, ओके okay, तो ये एक खाली बाउल में मैं ये टैबलेट डाल रहा हूँ, और ये मैं इसको आपके सामने अपन इसको पीस के देखेंगे कि कितना भी वर्क कर रहा है, ठीक है। यही तो अंदर पाउडर है इस टैबलेट के, ओ ये एक पूरा पाउडर निकला है इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टैबलेट आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, जब आप टैबलेट बुलाएंगे, इस टाइप का ये पाउडर बन गया है, ओके इस टाइप का पाउडर बन गया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको हम टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल पानी के साथ टेस्ट और हाइलुरोनिक बेस के साथ टेस्ट। तो ये एंजाइम है जो हाइलुरोनिक एसिड अगर इसके अंदर होगा, देखो बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं बट होता नहीं अंदर, तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर है कि नहीं है। कंपनी बोल रही है, हम कैसे मान लें, तो मानने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं आपको टेस्ट करके ज़रूर दिखाऊंगा, और मेरे को भी पता चलेगा कि इसमें कितनी असलियत है। तो ये हाइलुरोनिडेज है, ये एंजाइम होता है जो हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर देता है। तो इस एंजाइम को हम टेस्ट करेंगे डाल के, मैं इसको छोटू से सिरिंज में निकाल लेता हूँ हाइलुरोनिडेज को, बहुत स्लो स्लो आ रहा है क्योंकि माइट बी थिक है, तो ये स्लो 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 इसके अंदर आ रहा है, आ जा यार, ओके तो ये पूरा आ गया है इसके अंदर, मैंने ले लिया है हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा। और मैं इसमें ले रहा हूँ थोड़ा सा पानी ये बड़ी वाली सिरिंज में, ताकि आपको पता रहे कि छोटी सिरिंज में क्या है बड़ी सिरिंज में क्या है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, ओके ये मैंने पानी ले लिया है। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं छोटा सा थोड़ा सा ये लूँगा अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कहीं से लूँ मैं, ओहो लेने की बड़ी दिक्कत है भाई, ओके मैं इससे लेता हूँ, ओके ये मैं इधर डाल रहा हूँ, ठीक है थोड़ा और लेता हूँ मैं, ये हाइलुरोनिक एसिड का पाउडर है, ये मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं पानी डालूंगा, देखता हूँ कि क्या होता है, मिक्स होता है कि नहीं होता है, ये इस टाइप का ये डिसॉल्व नहीं हुआ है, और ये एक क्लॉट टाइप का बन गया है, क्लॉट टाइप का बन के ये ड्राई अप हो गया है, क्लॉट बन गया है। अब मैं देखूंगा कि भैया ये सच में इसमें हाइलुरोनिक एसिड है कि चूना बना दिया कंपनी ने, चूना मिक्स कर दिया है। तो हम फिर से इसको लेंगे, आजकल भैया बहुत चूना लगा रहे हैं लोग, तो ओके इधर मैं ये डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया है पाउडर, और मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रहा हूँ हाइलुरोनिडेज के साथ, और ये इसने पूरा ये डिसॉल्व कर दिया है, एंजाइम ने पूरा इसको डिसॉल्व कर दिया है, और ये बहुत स्मूथ हो गया है एकदम, मेरा हाथ ऐसा स्लिप स्किन से स्लिप हो रहा है मेरी फिंगर, और ये पूरा डिसॉल्व हो गया है आप ये देखेंगे, और ये साइड में मैंने वाटर से किया था तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। यार मैं तो सोच रहा हूँ, मतलब अगर घर में सीरम खुद के बनाने हैं ना हाइलुरोनिक एसिड वाले, तो ये हाइलुरोन टैबलेट लीजिएगा, खाइएगा भी, साथ ही साथ पीस पीस के इसमें अपने डेली चेहरे पे लगा सकते हो, यार डबल बेनिफिट होगा यार, ये इसमें सच में हाइलुरोनिक एसिड है, बिकॉज मैं इसको फील भी कर सकता हूँ, स्मेल तो पता नहीं कैसी है, स्मेल तो नहीं आ रही है, बट बिकॉज कंपनी इसको खाने के लिए दे रही है, लगाने के लिए नहीं दे रही है, तो स्मेल तो इसमें है ही नहीं, बट ये एकदम स्मूथ है, और ये वाला जो मैंने वाटर से किया था वो डिसॉल्व नहीं हुआ, आप देख सकते हैं मेरी स्किन, ये रिमूव करने के बाद भी ये रिमूव नहीं हो रहा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो भी क्लॉट रिमूव नहीं हो रहा है, बहुत टाइट हो गया है।
दैट मीन्स हाइलुरोनिक एसिड ने और हाइलुरोनिडेज ने अपना वर्क. तो मैं एक और आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन ट्राई करके देखेंगे कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड का पाउडर है ये इसकी विस्कोसिटी कितनी है. तो मैं इसमें एक इंजेक्शन में ये हाइलुरोनिडेज को डाल रहा हूँ और मैं थोड़ा सा पाउडर भी डालूंगा. ये जो पाउडर मैंने ये डाला और मैं और हाइलुरोनिक एसिड डाल रहा हूँ. मैं इसको थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ. मेरे पास कोई प्रॉपर लैब तो है नहीं, छोटी सी लैब में जो भी ट्राई हो जाता है मैं करता रहता हूँ. ओके, ये मिक्स हो गया है. हम इसको देखेंगे कितना विस्कोसिटी इसकी कितनी अच्छी है वो हम ट्राई करेंगे. पता नहीं मैं क्या क्या करता रहता हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ. कितना परसेंट सक्सेस होगा मुझे भी नहीं पता, मैं जस्ट कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट. ओके, ये मैंने एक छोटा सा बना लिया है जिसे मैंने हाइलुरोनिडेज के थ्रू इसको मिक्स किया है और मैं ट्राई करूंगा कि ये सच में जो हाइलुरोनिक एसिड हम इंजेक्ट करते हैं उसकी वो बिकॉज वो भी हाइलुरोनिक एसिड है. तो मैं इस पे ओके इसी के बॉक्स के ऊपर अपन ट्राई करते हैं. इसकी थिकनेस देखते हैं. मैं खुद पहली बार एक्सपेरिमेंट करूँ आपके सामने, तो देखो शायद सक्सेस हो जाए. आई थिंक ये बहुत थिक है तो ये इसे नहीं जाएगा. ओके 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 ये आया 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 आ आ आ आ आ आ आ. आप इसकी विस्कोसिटी देख सकते हैं. वाटर के साथ ये क्लॉट बन गया था और नाउ हाइलुरोनिडेज ने इसको इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं. इट्स वेरी थिक लाइक हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, जो इंजेक्टेबल होता है. मैंने बहुत इंजेक्ट करा है मेरे चिन में, मेरे यहाँ पे चीक में. इसको एनहेंस करने के लिए मैंने हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवाए हैं. तो ये क्या होता है कि जब हम इसको शेप अप देते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है. एक मॉलिक्यूल जो है वो 1000% उसके वेट का वाटर को एड्जॉर्ब करके रखता है. एड्जॉर्ब मतलब बाइंड करके रखता है. तो ये जब हमारी हम लोग खाते हैं ये हमारे मॉइस्चर लेवल को बढ़ा देता है बिकॉज में मॉइस्चर लेवल बॉडी में वाटर को बाइंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. और ये जब वहाँ पे होगा तो वहाँ पे बाइंड करके रखेगा और जो इलास्टिन और कोलेजन के बीच का जो गैप है वहाँ पे जाके जब ये सेट होता है तो ये वहाँ पे मॉइस्चर लेवल को बढ़ा देता है. तो आपकी स्किन एकदम प्लम्पी स्किन और एकदम टोन अप स्किन दिखती है और एकदम आप वो आपने उसका ऐड दिखा होगा ना, कौन सा ऐड था यार, वो बोरो प्लस का था, बोरो का गुगली गुगली वुश वाला, वैसी स्किन आपकी हो जाएगी. तो अगर आपको गुगली गुगली वुश वाली स्किन चाहिए तो आप ये हाइलुरोन टैबलेट को खाइए लीजिए. इसको 200 mg का है, आपको एक से दो टैबलेट लेनी है. दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं अगर आप एक ही टैबलेट ले रहे हैं तो. और इसको कम से कम 6 महीने खाना है. इसकी MRP है 450 रुपये फॉर 10 टैबलेट. थोड़ी कॉस्टली है
मगर जिस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े खूब सारे इंजेक्शन लगवाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन मीजोथेरेपी के थ्रू चेहरे में इंजेक्ट कराते हैं, वो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। एक एक ट्रीटमेंट आपको 10,000 से 15,000 का चार्ज होता है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड के छोटे छोटे इंजेक्शन स्किन की लेयर में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि यही सेम इफेक्ट आपको सपल स्किन और टोन अप स्किन मिले। तो उसकी जगह आप ये टैबलेट खाइए, आपकी फुल बॉडी को टोन अप करेगा, स्किन को हेल्दी करेगा। जैसे तो एजिंग होती है, आपके रिंकल्स हाथ में आने लगते हैं, आपने देखा होगा, तो ये उस केस में भी काम करेगा, बिकॉज ये मॉइस्चर लेवल को बढ़ा देगा और इलास्टिन और जो कोलेजन है उसको भी बूस्ट अप करेगा, फाइबर्स को हेल्प करेगा। तो वेट क्या कर रहे हो, ये आपको मिलेगा www.clickoncare.com में, वहाँ पे जाइए, इसको परचेस करो, इसको खाओ, इसको यूज़ करो, फिर मुझे भी बताओ कि आपको कैसा इसके रिजल्ट पसंद आए कि नहीं आया। मेरी आईडी है डॉक्टर अवनीत गुप्ता, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, मुझे मैसेज कर देना, मैं फोर से जाके आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बहुत कुछ मैंने इसको बता दिया है और कुछ बचा भी नहीं है इसके बारे में बताना। ओके, तो मैंने एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया, आपको शायद पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अवनीत गुप्ता।